मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी निकला पड़ोसी। कड़वा थाना के खटाई ग्राम स्थित सोन नदी के कछार में मिले दिव्यांग युवती के शव के मामले की गुत्थी पुलिस ने आज सुलझा ली है। रविवार को इस मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी युवक के दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके दुपट्टे से ही उसका गला घोट दिया था। उसके बाद शव को झाड़ियों से पटे कछार में फेंक कर वहां से फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि अंधी हत्या में शामिल आरोपियों के बारे में देर रात तक पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन सिविल ड्रेस में गांव में भेजे गए पुलिस जवानों की पड़ताल से हमें संदेहियों तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। पुलिस जवानों की सूचना के अनुसार मृतक को शाम के समय डिब्बा लेकर सोन नदी की तरफ जाते हुए देखा गया था। इसके साथ ही पता चला कि युवती के पीछे पड़ोस में ही रहने वाले आरोपी दीनो सिंह पिता इंद्रेश सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी खटाई गया था। फिर क्या था, संदेही आरोपी का नाम आते ही पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस के आगे आरोपी के हौसले पस्त हो गए और पूछताछ में उसने हत्या कबूल ली। उसने बताया कि दुष्कर्म करने के बाद मृतका ने इशारों में ही अपने साथ हुई घटना के बारे में परिजनों को बताने की धमकी दी थी। आरोपी ने बताया कि वह 9वीं तक युवती के साथ पढ़ा था, इसलिए पकड़े जाने के भय से उसने उसके गले में पड़े दुपट्टे से ही उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को झाड़ियों से पटे दरार में फेंक कर फरार हो गया। गढ़वा थाने में सूचना आई थी कि थाना क्षेत्र का एक गांव है खटाई, वहां पर एक युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाने का स्टाफ, थाना प्रभारी खटाई गांव पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और प्रथम दृष्टया उन्हें जो मामला है वो हत्या का समझ में आया। उनके द्वारा सूचना दी गई, सूचना को गंभीरता से लेते हुए हमने एडिशनल SP और STOP तथा 5 थानों की हमारी टीम बना करके FSL पार्टी, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीमें वहां रवाना की गई। जाके वहां पर गांव में कैंप किया गया और हमारी पूरी टीमें जो है सूचना संकलन में और जो भी उनको टास्क दिए गए थे उस कामों में लगी हुई थी। जो घटना के उपरांत जो जानकारी निकल के आई वो ये आई कि 22 वर्ष की युवती थी जो बोल नहीं पाती थी और वो 1 जनवरी को अपने घर से निकलती है टॉयलेट करने के लिए और इसी बीच एक पास में रहने वाला लड़का है वो उसको फॉलो करता है और जाकर के जो स्पॉट है, घटना स्थल है, वहाँ पर वो उसके साथ में दुष्कर्म करता है। और इसके बाद चूंकि वो लड़की उसको पहचानती है और इसको इस बात का भय था कि ये इसका नाम ओपन कर देगी, ऐसी स्थिति में जो दुपट्टा था उससे उसका गला जो है उसने स्ट्रैंगुलेट कर दिया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की और हत्या की बातें आई थी। कितने लोग शामिल थे सर, इसमें कौन कौन था? इसमें एक ही आरोपी आया है जिसका नाम दीनू सिंह है और खटाई गाँव का ही रहने वाला है। इसकी उम्र 28 साल है और पूर्व में भी इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं, 2 बार चोरी में और 1 बार आर्म्स एक्ट के मामले में ये बंद हुआ है। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एक लोगों में ये बात भी निकल करके आई थी कि उसका जो मृतका है, बच्ची है, उसकी आँख निकाल ली गई है, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। कुछ चीटियाँ जो है उसके आँख में लगी हुई थी और जो है इसकी वजह से उनके काटने से और थोड़ा सा आँख जो है उस तरह से विद्रूपित दिख रही थी। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि आंखें उसकी नहीं निकाली गई। हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार वहाँ कैंप करके अथक प्रयासों से 12 घंटे से भी कम समय में इस पूरी चुनौतीपूर्ण घटना को निकालने में और आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है उनके द्वारा। और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारे जो जोन के पुलिस महानिरीक्षक हैं उमेश जोगा साहब, उनके द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। Make happy your fit with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एक्सेसरीज, साथ ही बाटा के वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैरन बिंदनगर रोड, धोदी, वैरन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9425177049, 9798589115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।